बेपनाह जल्द ही हम सबको कहने वाला है अलविदा। ऐसे में देख लीजिए, जाने से पहले लगता है आदित्य हुड्डा ने ये तय कर लिया है कि अपनी माताजी की खूब सेवा करेंगे ऑन स्क्रीन। जी हाँ, जोया का तो दूर दूर तक कुछ अता पता है नहीं, लेकिन आदित्य ऑन स्क्रीन अपनी माँ की खूब सेवा कर रहे हैं और ऑफ स्क्रीन खूब मस्ती भी कर रहे हैं दोनों। आदित्य की जिंदगी में अब जो सब कुछ है वो उसकी माँ है, क्योंकि इन दोनों की जिंदगी में एक दूसरे के अलावा कोई और नहीं बचा है। आदित्य के दिन की शुरुआत भी माँ से होती है और रात भी माँ को सुलाकर, जैसे कभी माँ ने अपने बेटे को रखा था, आज बेटा बिल्कुल वैसे ही अपनी माँ का ध्यान रखता है। हाँ, रह कौन गया उसके पास केयर करने के लिए, सिर्फ माँ ही रह गई, सारा केयर माँ के ऊपर। पर्दे पर ये दोनों जितने संजीदा लगते हैं, जरा आज पर्दे के पीछे भी इन्हें जान लीजिए कि ये माँ बेटे की जोड़ी आखिर कैसी है। आदित्य यानी हर्षद अब शो के खत्म होते होते भी इसी बात पर ताज्जुब कर रहे हैं कि आखिर उनकी माँ के किरदार में उनकी हम उम्र को स्टार को क्यों लिया गया, जो पैकअप के बाद बिल्कुल माँ जैसी नहीं लगती। तो शी इज यंगर देन मी। अच्छा, यू डोंट हैव टू से दैट। एंड फॉर हर टू प्ले माय मॉम, ऑब्वियसली उनके लिए भी बहुत है, वियर्ड है, और मैं भी जैसे जितनी बार देखता था ऐसा लगता था, बट आई थिंक वी हैव डन इट नाइसली, है ना, नॉट बैड। शूट करते समय आई हैव ऑलवेज कंसीडर्ड हिम एज माय सन। या मैं सीरियसली बता रहा हूँ, कितनी बार इनका पैकअप हो जाता है और ये जा रहे होते हैं या फिर सुबह सुबह जब आ रहे होते हैं तो मैं, मेरे पास से निकल जाते हैं, मैं पहचान ही नहीं पाता हूँ। मतलब स्पेशली पैकअप के बाद, सुबह सुबह तो मेरी आंखें फिर भी खुली होती, मैं ऐसे लोगों को देख रहा होता हूँ, कितनी बार पैकअप के टाइम पे ये बाजू से निकल जाती हैं, हर्षद बाय बाय, पहचाना ही नहीं, क्योंकि ना आदमी जैसे ऐसा लगता है कोई, मतलब ऐसी हॉट सी लड़की आ रही है, ऐसे 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 मुंडी नीचे करके आदमी चलने लग जाता है, पता नहीं चला माँ निकली बाजू से। वैसे ये जानकर भी आपको हैरानी होगी कि हर्षद की माँ का किरदार निभाने वाली परिणीता की असल जिंदगी में भी बेटे का नाम चीकू ही है, जो वो शो में अपने बेटे हर्षद यानी आदित्य को भी बुलाती हैं। इन रियल लाइफ मैं अपने बेटे को चीकू बुलाती हूँ, यहाँ पे लिख के आया कि मुझे हर्षद को चीकू बुलाना है, तो जब उसने वो सुना टीवी पे वो भाग गया अंदर और गुस्से में, मतलब ही वॉज वेरी एंग्री। शो चाहे खत्म हो रहा हो लेकिन हर्षद के फैंस अभी भी सेट पर उनसे मिलने आते हैं, और जरा देखिए आज उनकी ये दोनों फैन हर्षद के लिए क्या तोहफा लाई हैं। सीन याद है मुझे, ऐसे सीन याद आ रहे, ओ ये वाला है, ओ ये वाला है, सो ये कौन सा वाला याद नहीं आ रहा, बट थैंक यू सो मच। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।